तो महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, 30 जून सुबह 11 बजे विधानसभा बुला सकते हैं गवर्नर। शुक्रवार सुबह 11 बजे हो सकता है फ्लोर टेस्ट। बीजेपी ने महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट की मांग की है। देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल से फ्लोर टेस्ट की मांग की है। फडणवीस बोले, उद्धव सरकार अल्पमत में है, बीजेपी ने विधानसभा में बहुमत परीक्षण की मांग की है। और फडणवीस और राज्यपाल की लगभग आधे घंटे से मुलाकात जारी है। 30 जून सुबह 11:30 बजे विधानसभा बुला सकते हैं गवर्नर। तो बीजेपी ने यह मांग की कि अल्पमत में है उद्धव सरकार और शक्ति परीक्षण हो, फ्लोर टेस्ट हो। और अब जो खबर आ रही है वो सुबह 11 बजे शुक्रवार को फ्लोर टेस्ट हो सकता है। तो बीजेपी ने महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट की मांग की है। सचिन चौधरी हमारे सहयोगी पल पल की जानकारी हमें दे रहे हैं। सचिन, क्या और अपडेट आपके पास? पंकज, देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि उद्धव ठाकरे की परीक्षा होगी, अग्नि परीक्षा होगी, फ्लोर टेस्ट होगा विधान भवन में, और जहां पर उनको बहुमत साबित करना होगा। सबसे पहली खबर यह है कि राज्यपाल के पास निर्दलीय विधायकों ने पत्र दिया है, उसके अलावा बीजेपी जो विपक्ष है उन्होंने पत्र दिया है और ये कहा है कि सरकार अल्पमत में है, सरकार को बने रहने का कोई हक नहीं है। तो ये बड़ी खबर है, निर्दलीय और बीजेपी ने सरकार अल्पमत में होने की बात कही है और कहा है कि सरकार अल्पमत में है, सरकार अपना जो है बहुमत खो चुके हैं, इसलिए उन्हें फ्लोर टेस्ट कराया जाए। और राज्यपाल जो है, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 30 जून को सुबह 11 बजे जो है उद्धव ठाकरे को फ्लोर टेस्ट के लिए बुला सकते हैं। इस तरह की बड़ी खबर यहां पर आ रही है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से बीजेपी ने अपने तमाम विधायकों को, सहयोगियों को, छोटे जो सपोर्टर्स हैं छोटे दलों के, उनको 29 तारीख यानी कि कल सुबह 11 बजे मुंबई में बुलाया है, तलब किया है, तो बीजेपी की एक पूरी तरह से प्लानिंग है और उद्धव ठाकरे सरकार। सचिन, आपके पीछे का गेट खुला नहीं है, तो उम्मीद की जा सकती है कि देवेंद्र फडणवीस जब बाहर निकलेंगे तो कुछ बोलेंगे? जी बिल्कुल, हो सकता है कि वो कुछ बोले, कुछ उनकी तरफ सरकार पार्टी की तरफ से जो है ऑफिशियली अनऑफिशियली कुछ कहा जाए, लेकिन हमारे सूत्र हमें ये जरूर बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे सरकार को या महाविकास आघाड़ी सरकार को अब सिर्फ जो है कम से कम 48 घंटे की मोहलत दी जाएगी, यानी कि 30 तारीख को जो है वो उन्हें सुबह 11 बजे जो है फ्लोर टेस्ट साबित करने के लिए कहा जाएगा। इस तरह की जानकारी बिल्कुल, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केवल 40 घंटे बचे हैं और गुरुवार सुबह 11 बजे विधानसभा बुला सकते हैं गवर्नर, फ्लोर टेस्ट होगा और शक्ति परीक्षण होगा, अल्पमत में है उद्धव सरकार, ये बात गवर्नर से की है। और अब जो जानकारी मिल रही है वो ये कि 30 जून सुबह 11 बजे विधानसभा बुला सकते हैं राज्यपाल, फ्लोर टेस्ट होगा। फडणवीस ने बोला है कि उद्धव सरकार अल्पमत में है। तो 30 जून यानी लगभग 40 घंटे अब बचे हैं, 40 घंटे बाद विधानसभा बुलाई जाएगी, फ्लोर टेस्ट होगा और यह कह दिया है साहब देवेंद्र फडणवीस ने कि अल्पमत में है उद्धव सरकार। तो बड़ी खबर इस वक्त की कि अब 30 जून को सुबह 11 बजे विधानसभा बुला सकते हैं गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, और अब उसमें यह है कि शक्ति परीक्षण होगा, फ्लोर टेस्ट होगा, अल्पमत में है उद्धव सरकार, यह बात देवेंद्र फडणवीस ने कर दी है। तो आज जैसे ही देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंचे थे तो यह बात तय हो गई थी कुछ बड़ा होने वाला है। उन्होंने लगभग 90 मिनट तक अमित शाह से मुलाकात की, उसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उन्होंने मुलाकात की और फिर वापस लौटे हैं सीधे गवर्नर हाउस। लगभग आधा घंटा हो गया है गवर्नर हाउस के अंदर मौजूद है देवेंद्र फडणवीस, बाहर निकलेंगे तो शायद कुछ मीडिया से बोले इस बारे में, लेकिन अब यह साफ है कि 30 जून सुबह 11 बजे विधानसभा बुला सकते हैं राज्यपाल। बीजेपी ने महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट की मांग की है, कहा है कि नंबर नहीं है, अल्पमत में है इस वक्त उद्धव सरकार। तो यह बड़ी खबर है कि गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जो है वो 30 जून 11 बजे विधानसभा बुला सकते हैं। फ्लोर टेस्ट की मांग की गई है देवेंद्र फडणवीस की तरफ से, उन्होंने साफ साफ ये कहा है गवर्नर से कि अल्पमत में है उद्धव सरकार, उनके पास वो नंबर्स नहीं है। तो अब लगभग 40 घंटे का वक्त है और जबरदस्त हलचल इस वक्त मुंबई में है। आपको एक बार फिर लिए चलते हैं सचिन चौधरी के पास। सचिन, और क्या अपडेट, क्या जानकारी मिल रही है? पंकज, देखिए ये बड़ी खबरें यहां से आ रही है कि अब उद्धव ठाकरे सरकार के पास जो है करीबन 40 घंटे का ही समय बचा है, क्योंकि राज्यपाल ये आदेश किसी भी वक्त जो है यहाँ से निकलेगा और उद्धव ठाकरे सरकार के पास जाएगा कि उन्हें 30 जून को विशेष सत्र बुलाना है और उसमें 11 बजे जो है वो सदन में बहुमत सिद्ध करना है। बीजेपी ने जो है और निर्दलीय विधायकों ने राज्यपाल को चिट्ठी भेज दी है, पत्र दे दिया है और कहा है कि ये पूरी सरकार जो है अल्पमत में है, अल्पमत में होने के बावजूद सरकार जो है वो जो है गलत फैसले ले रही है और उन्हें अब रोका जाए।
तो बीजेपी यानी कि विपक्ष जो है मुख्य, उसने भी दी है, और जो निर्दलीय विधायक है उन्होंने भी राज्यपाल को चिट्ठी दी, और उनके चिट्ठी के आधार पर राज्यपाल जो है उन्होंने ये तय किया है कि वो उद्धव ठाकरे को ये बता रहे कि आपकी सरकार अल्पमत में आ गई है और ऐसे में आपको अब बहुमत सिद्ध करना होगा। तो कहीं ना कहीं अब 40 घंटे का मुश्किल से समय बचा है उद्धव ठाकरे के पास, और उनके 50 विधायक जो है वो बगावत करके गुवाहाटी में है, वो आने के लिए तैयार नहीं है। बाकी छोटे दल जो है वो भी जल्द ही भूमिका स्पष्ट कर सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस का ये, उनके पास, उनके खेमे का ये कहना है कि उनके पास 129 विधायकों का समर्थन है, अगर वो 50 विधायक नहीं भी आते हैं तो भी 129 विधायक जो है उनका समर्थन देवेंद्र फडणवीस के पास रहेगा, अगर वो आते हैं तो उनकी संख्या भी जोड़ी जाएगी, तो ये संख्या बहुमत के आंकड़े से काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बनी हुई है कि उनकी, उनके पास अब आंकड़े नहीं है, जो निर्दलीय है, छोटे दल है, वो अब साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि उद्धव ठाकरे फ्लोर टेस्ट के लिए आखिर तक ये लड़ाई लड़ते हैं, एक इमोशनल भाषण वहां फ्लोर सदन में करते हैं क्या उसके? बिल्कुल सचिन, हमने दो दो इमोशनल भाषण सुने हमने उद्धव ठाकरे के, और खबरें ये भी आ रही थी कि शरद पवार उनको मना कर रहे हैं इस्तीफा देने के लिए, सोनिया गांधी ने भी उनसे फोन पर बात की थी, तो क्या ये भी उम्मीद की जा सकती है कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे दें पहले? देखिए, आज कैबिनेट में कई सारे मंत्री आए थे, शिवसेना के थे आदित्य ठाकरे समेत, बाकी जो सीनियर नेता थे सुभाष देसाई, अनिल परब और बाकी महाविकास आघाड़ी के सीनियर नेता कांग्रेस एनसीपी के, जिनसे हमारी जो बातचीत हुई तो उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि महाविकास आघाड़ी यानी कि कांग्रेस और खासतौर पर एनसीपी शरद पवार, इन्होंने उद्धव ठाकरे को कहा है कि जो लड़ाई है वो आखिर तक लड़नी चाहिए, फ्लोर टेस्ट पर हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे। उद्धव ठाकरे ने भी कहीं ना कहीं ये बताया है कि कुछ विधायक उनके संपर्क में हैं, और हो सकता है कि जब वो मुंबई आए तब जो है वो अपने उद्धव ठाकरे के पाले में आ जाए। लेकिन बीजेपी की भी रणनीति जो है पूरी है, अगर वो विधायक एब्सेंट भी रहते हैं तो उनके बिना भी बीजेपी जो है बहुमत का आंकड़ा जो है वो पालेगी, उनके पास जो है ज़्यादा संख्या बल होगा। उद्धव ठाकरे की महाविकास आघाड़ी सरकार के पास जो संख्या बल होगा उससे भी ज़्यादा संख्या बल जो है देवेंद्र फडणवीस यानी कि बीजेपी के पास होगा। तो अब ये देखना, बिल्कुल मैं लौटता हूँ आपके पास। इस बीच आपको बता दें बड़ी खबर एक और कि 8 इंडिपेंडेंट एमएलए जो है यानी 8 निर्दलीय विधायकों ने भी फ्लोर टेस्ट की मांग की है गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को, बाकायदा उन्होंने इसके बाबत ईमेल किया है। तो 8 निर्दलीय विधायक जो कि शिंदे गुट को सपोर्ट एक तरह से कर रहे थे, उन्होंने भी अब फ्लोर टेस्ट की मांग की है गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को ईमेल करके। ये इतला की गई है कि वो फ्लोर टेस्ट की मांग कर रहे हैं यानी फ्लोर टेस्ट चाहते हैं। तो बीजेपी के 106 विधायक और 8 निर्दलियों की ये मांग है कि फ्लोर टेस्ट हो। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के जो 8 इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, इन्होंने बाकायदा ईमेल करके ये कहा है कि फ्लोर टेस्ट हो, शक्ति परीक्षण हो, क्योंकि अल्पमत में है उद्धव सरकार। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, जो टोटल नंबर है आपको बता दें 106 जो है बीजेपी के विधायक, उसके अलावा 8 इंडिपेंडेंट एमएलए जो है उन्होंने ये मांग की है, जो 8 इंडिपेंडेंट एमएलए इन्होंने ईमेल किया है गवर्नर को और कहा है कि फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। शिंदे गुट के 52 एमएलए पहले ही ये बात कर चुके हैं, और अब जो जानकारी मिल रही है वो ये कि 8 इंडिपेंडेंट एमएलए भी फ्लोर टेस्ट की मांग कर रहे हैं, और इसके लिए उन्होंने बाकायदा गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को ईमेल किया है। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि पिछले करीब आधे घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है जब देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो हैं वो इस वक्त अंदर हैं गवर्नर हाउस में, कुछ ही देर में बाहर वो निकलेंगे। राजेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने, वो भी हमें पल पल की जानकारी अपडेट दे रहे हैं। राजेश, अब जो जानकारी मिल रही है 8 इंडिपेंडेंट एमएलए जो हैं उन्होंने भी गवर्नर को बाकायदा ईमेल किया है और कहा है कि फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए इस वक्त बीजेपी के जो नेता अंदर मौजूद हैं राजभवन के अंदर, वहां से जो जानकारी छन-छन के आ रही है पंकज, उसमें यही बताया जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट की मांग की जा रही है। बताया जा रहा है राज्यपाल को कि एमवीए की सरकार यानी कि महाविकास आघाड़ी की सरकार, शिवसेना एनसीपी कांग्रेस की सरकार अल्पमत में है, शिवसेना के 40 विधायकों ने बगावत कर दी है, ये सारी जानकारी इस वक्त राज्यपाल को दी गई है और उनसे कहा गया है कि फ्लोर टेस्ट कराया जाए। डिप्टी स्पीकर को बोले हैं वो कि फ्लोर टेस्ट हो, और उसके बाद बीजेपी की मंशा है कि सरकार गिराई जाए एमवीए की, और उसके बाद सरकार बनाई जाए एकनाथ शिंदे ग्रुप के साथ मिलके। तो फिलहाल
कदम दर कदम बीजेपी आगे बढ़ा रही है। इसके पहले बीजेपी का कोई भी नेता खुलकर बोलने को तैयार नहीं था, लेकिन जैसे ही देवेंद्र फडणवीस दिल्ली से मुंबई आए हैं, वो अपने साथियों के साथ सीधे राजभवन गए हैं पंकज, और वहां पर सरकार गिराने यानी कि एमवीए सरकार गिराने और अपनी सरकार बनाने की जो कवायद है वो कर रहे हैं इस वक्त। किसी वक्त राजभवन से आधिकारिक सूचना आ सकती है कि कब फ्लोर टेस्ट के लिए उन्होंने डिप्टी स्पीकर को बोला है, देवेंद्र फडणवीस ने आखिर क्या बात कही है, यह आधिकारिक जानकारी किसी वक्त राजभवन से आ सकती है। इस वक्त राजभवन में देवेंद्र फडणवीस के साथ गिरीश महाजन, चंद्रकांत पाटिल, बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के, वो मौजूद हैं। पिछले एक हफ्ते से यही नेता लगातार देवेंद्र फडणवीस के मालाबार हिल स्थित सागर बंगलों पर लगातार मीटिंग कर रहे थे। रात पूरी रात कई रात ऐसी गुजरी कि पूरी रात इन लोगों ने मीटिंग की है। उसके बाद कल जो मीटिंग हुई वो बड़ी मीटिंग थी, वो फाइनल मीटिंग थी, आंकड़े तय कर लिए गए। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस सीधे दिल्ली निकले, जेपी नड्डा और अमित शाह को जानकारी दी कि इस बार जो प्लान बना है वो फुल प्रूफ है, आंकड़े उनके पक्ष में है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।